चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ दौरे पर, कल से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी कुमारी शैलजा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। कांग्रेस अधिवेशन की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। 22 जनवरी को वापस लौट जाएंगी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। तो देखिये, कल से 3 दिवसीय दौरा उनका रहने वाला है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जो शुरुआत कांग्रेस की ओर से होने जा रही है 26 जनवरी से, उसकी तैयारियों की समीक्षा उनकी ओर से की जाएगी। तो मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस जहां एक ओर जुटी हुई है, वहीं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी 26 जनवरी से होने जा रही है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा खुद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा करने वाली हैं, क्योंकि कल से उनका दौरा रहने वाला है। कल से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी कुमारी शैलजा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस अधिवेशन की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। तो रायपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है आज, और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर ये बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक लेंगे। यात्रा के प्रभारी अरुण यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी जिला और शहर कमेटी के अध्यक्ष और जिला पर्यवेक्षकों की बैठक मोहन मरकाम लेने वाले हैं। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ये बैठक लेंगे 26 जनवरी से। अभी आपको बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस का शुरू होने जा रहा है, और इस अभियान के तहत रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ये अभियान सफल हो सके उसको लेकर भी बैठक होनी है। अंकुश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुश, आज बैठक होने जा रही है, कितनी अहम ये बैठक 26 जनवरी को जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है उससे संबंधित? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उसी यात्रा की तर्ज पर अब सभी राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जानी है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से हो रही है। और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ये यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता पक्ष में है, और उसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में एक मजबूत माहौल बनाने की कोशिश है, और इस मजबूत माहौल के लिए ही आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और पूर्व मंत्री, या यूँ कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो छत्तीसगढ़ के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जो प्रभारी हैं अरुण यादव, वो भी रायपुर पहुंच रहे हैं। और रायपुर में पहुंचकर वो कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में शामिल होंगे, और क्षेत्र में प्रदेश भर में जितने भी जिले हैं, जितने भी संभाग हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, उसके लिए अलग अलग लोगों को जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। और जिस तरीके से पूरी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का रूप में तय हुआ है, और हाथ से जो हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान कौन कौन से काम पार्टी के माध्यम से किए जाएंगे, वो तमाम जिम्मेदारियां आज तय की जाएंगी। तो आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण यात्रा कांग्रेस पार्टी की होने वाली है, उस लिहाज से आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।